आज फिर लेकर के आ गया हूँ आप लोग के लिए वीकली जॉब अपडेट, जो कि 7 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त के बीच की होने वाली है। सभी की सभी इंजीनियरिंग जॉब होने वाली है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो अप्लाई कर सकते हो। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और साथ में केमिकल वाले कैंडिडेट भी हैं। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप इनके लिए अप्लाई करने वाले हो। तो जो टॉप मोस्ट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब है वो आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा यार, जिसको जॉब की सख्त जरूरत है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसी ही जॉब अपडेट मैं आप लोग के लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मेंशन है 7 से लेकर के 13 अगस्त के बीच की वीकली जॉब अपडेट है। सबसे पहली जॉब जो आ रही है वो एसएससी की तरफ से आ रही है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो यहाँ पर आप लोग का क्या है, जेई का रिक्रूटमेंट निकाला गया है। इस जेई के रिक्रूटमेंट में बात करें तो जो स्टार्टिंग डेट होने वाली है वो 12 अगस्त होने वाली है, और जो लास्ट डेट होने वाली है 2 सितंबर होने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर के 32 ईयर जो है वो एज लिमिट रखी गई है। और यहाँ पे बोला गया है कि जो एज रिलैक्सेशन रहेगा आप लोग का, जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 ईयर का, और साथ में जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन होने वाला है। जो एज पर गवर्नमेंट रूल रहता है वही यहाँ पर भी रखा गया। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया में कहीं भी आप लोग की पोस्टिंग हो सकती है। पोस्ट नेम की बात करें तो जूनियर इंजीनियर यहाँ पे ही आप लोग का रिक्रूटमेंट है। टोटल पोस्ट मेंशन नहीं करी गई, एसएससी मेंशन नहीं करता है इनको, बाद में आप लोगों को बताएगा कि कितनी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। अप्लाई करने की जो लिंक है वो मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अगर आप उसको रीड आउट करना चाह रहे हो तो वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। और जो टेलीग्राम है उसका नाम @classicjob के नाम से आप लोग को मिल जाएगा अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो। अदरवाइज लिंक भी मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जा करके भी आप लोग उसको देख सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपीज़ रखी गई है जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। एससी एसटी से हैं आप या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम फीस आप लोग के लिए नहीं रखी गई है। ऑफिशियल अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट, चाहे वो सिविल से हों, चाहे मैकेनिकल से हों या फिर इलेक्ट्रिकल से हों, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और बी बीटेक वाले कैंडिडेट भी सेम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 2 एग्ज़ाम आप लोग के कराए जाते हैं। जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है वो CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, और जो सेकेंड एग्ज़ाम आप लोग का होता है वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम आप लोग का होता है। सैलरी 55,000 से यहाँ पर आप लोग की स्टार्टिंग होती है, तो सैलरी वगैरह तो यार यहाँ पर काफ़ी अच्छी आप लोग को मिलने वाली है। सेकेंड जॉब की बात करें तो जो सेकेंड जॉब आप लोग की आ रही है वो अर्थ साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। अर्थ साइंस डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है वो साइंटिस्ट के लिए पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो 25 जुलाई से ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और 16 सेप्टेम्बर जो है वो लास्ट डेट होने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 ईयर के बीच अगर आप आते हो तो डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया आप लोग यहाँ पर जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। टोटल पोस्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका भी आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप लोग इसके लिए रीड आउट कर सकते हो। बाकी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और साथ में केमिकल इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने बी किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है, एमई या एमटेक किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है किसी भी कैंडिडेट के लिए, तो कोई भी एग्जाम फीस नहीं होने वाली, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा यार, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आती। साथ में मोड ऑफ सिलेक्शन भी इंटरव्यू रखा गया है यहाँ पे, तो अगर आप लोग इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। 78,000 सैलरी आप लोगों को मिलेगी, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, टोटली गवर्नमेंट जॉब आप लोग के लिए है। नेक्स्ट जॉब पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जॉब जो कि एक महारत्ना कंपनी है हमारे पास, तो इस महारत्ना कंपनी जो कि हमारे पास गेल है, PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, इसमें हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म 16 अगस्त से, मतलब 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि संडे को मैं जॉब अपडेट लेके आता हूँ, और आज जो डेट है वो 14 अगस्त है। तो जैसे इसका अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को डिटेल में वीडियो बना दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट यहाँ पर निकल करके आ रही है। 282 पोस्ट JEE के लिए पोस्ट होने वाली है, यानी कि मैनेजर के लिए पोस्ट होने वाली है। 15 सितंबर लास्ट डेट होगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 to 30 ईयर, जैसा 32 ईयर जैसे कि रखा जाता है नॉर्मल, वही यहाँ पे है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में, आप लोगों को मालूम है महारत्ना कंपनी है, तो ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग आप लोगों को दे सकती है। लिंक इसका भी मैंने आप शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से जा करके आप देख सकते हो।
एप्लीकेशन फ़ी, किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ी अभी मेंशन नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ मेंशन होगी वो सबके सब डिटेल नोटिफिकेशन में मेंशन होगी, तो वहीं से मैं आप लोगों को जो है वो बता दूंगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा वाले और बीई बीटेक वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले। मोड ऑफ सिलेक्शन अभी मेंशन नहीं करा गया कि एग्ज़ाम कराने वाले हैं ये लोग या क्या कराने वाले हैं। जनरली ये जो रिक्रूटमेंट कराते हैं वो गेट से कराते हैं, गेट से रिक्रूटमेंट कराते हैं। बट अभी देखो यहाँ पर क्या आप लोग का आता है, सैलरी की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप लोगों की 1 लाख रुपीज़ सैलरी होने वाली, तो सैलरी तो यार बहुत ज़बरदस्त होने वाली। बाकी और जो डिटेल नोटिफिकेशन में मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी जेई के लिए, तो आप लोग एक बैच है जो कि लक्ष्य बैच चल रहा है एसएससी जेई 2022 के लिए, जिसमें आप लोग का रीजनिंग, जीके जीएस, कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ अवेलेबल हो रहा है 999 रुपीज़ में। और इसमें भी आप लोगों को जो है 15 अगस्त पर 75 रुपीज़ का ऑफ मिल रहा है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो हमारा 75 इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, इस पर आप लोगों को अगर आप कूपन कोड अप्लाई करोगे फ्रीडम 75, तो आप लोग को फ्लैट 75 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। आप जाकर के एक बार विजिट करो कैसा आप लोगों को लगता है। वहीं पर अगर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो एग्ज़ाम कोई भी हो, क्वेश्चन हमारा होगा। सुदर्शन बैच भी चल रहा है जेई एई एग्ज़ाम के लिए, जिसमें 25,000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज ही नहीं बल्कि चैप्टर वाइज डिस्कस करे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, ये जो बैच है ना वो 2.5 ईयर के लिए, तो 2.5 ईयर, अब एक ईयर में 365 डेज होते हैं तो टोटल हो गए 912 डेज, यानी कि ये बैच आप लोगों को 925 का मिल रहा है। ऑलमोस्ट 1 रुपी पर डे में आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल रहा है, वो भी प्रीवियस ईयर का। तो ये व्हाट्सअप नंबर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही जॉब अपडेट मैं आप लोग लेकर के आता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।